हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गली गली पैदल मार्च कर समझा रहे घर में रहो, पुलिस का फ्लैग मार्च जारी, शहरवासी फूल बरसाकर और ताली थाली बजाकर बढ़ा रहे पुलिस जवानों का हौसला। कोरोना वायरस का संक्रमण अब जोधपुर शहर से बाहर निकलकर गांवों में भी पहुंच गया है। इससे चिकित्सा व जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई। वहीं एक दिन पहले ही यहां अब तक के सर्वाधिक 64 पॉजिटिव मरीज मिले थे और अभी भी यहां लगातार कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। लोगों को कोरोना के कहर से बचाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन और कर्फ्यू की पालना के लिए पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। आज झंवर थाना क्षेत्र में धवा चौकी पे चौकी स्टाफ के साथ और थाने के स्टाफ के साथ सभी लोग एक साथ मिलकर के हम रूट मार्च कर रहे हैं धवा गांव में। रूट मार्च का उद्देश्य यही है कि लोग अधिक से अधिक लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। इसी मैसेज को देने के लिए हम हमारे पूरे दल बल के सहित पूरे धवा गांव में रूट मार्च कर रहे हैं ताकि ये जो कोरोना वायरस है इसके संक्रमण से लोग बच सके। गुरुवार की सुबह महानगर की कई थाना पुलिस ने अपने अपने इलाकों में गली गली पैदल मार्च किया और लोगों से घर में रहकर कोरोना को हराने की अपील। डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि सोमवार सुबह शहर के भीतरी भाग सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागौरी गेट आदि थाना क्षेत्र में संबंधित थाना अधिकारियों ने अपने उच्च अधिकारियों के साथ फ्लैग व पैदल मार्च किया। उनके साथ आरएसी के जवान और होमगार्ड आदि भी शरीक हुए। पैदल मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों व जवानों पर लोगों ने कई जगह पुष्प वर्षा की और तालियां बजाकर समर्थन व उत्साह वर्धन किया। उन्होंने बताया कि कुछ लोग अब भी कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी को समझ नहीं पा रहे हैं, बेवजह घर से बाहर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर नाके बढ़ाने के साथ ही नफरी भी बढ़ाई है। साथ ही रूट पर फ्लैग मार्च कर उन्हें घर में रहने की अपील कर रहे हैं। इसी तरह जिला पश्चिम के जवर थाना क्षेत्र में भी पैदल मार्च किया गया। जवर थाना अधिकारी परमेश्वरी विशोई ने पैर में चोट होने के बावजूद मार्च में हिस्सा लिया। यहां एडीएसपी निर्मला विशोई व जवर थाना अधिकारी परमेश्वरी विशोई के नेतृत्व में धवा गांव की गली, मोहल्ला, बाजार, हाईवे पर पैदल व वाहन रैली के रूप में फ्लैग मार्च निकाला गया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।